नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में देंगे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी गई घंटी को दबा दीजिए तो चलिए हम शुरू करते हैं आप अपने सिलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लीजिए फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लीजिए बॉर्डर बनाने के बाद आप ये डिजाइन शुरू कीजिए तो ये डिजाइन जो है आपको 28 फंदा पे बनेगा 28 फंदा पे अगर आप बनाएंगे तो ये पूरे तरह से डिजाइन बनेगा तो अट्ठाईस फंदा आपको डिजाइन के लिए लेना है और 6 फंदा इसमें लास्ट में जो फूल बनेगा उसके लिए लेना है और चार फंदा एक्स्ट्रा दोनों ओर रखने के लिए लेना है तो इस तरह से आपको जो हम पूरे स्वेटर में बनाएं तो 28, 28, 28 इस तरह के मल्टीप्लस पे आप फंदा डालिए और लास्ट में छः फंदा को एक्स्ट्रा डाल दीजिए और ये चार फंदा दोनों ओर रखने के लिए एक्स्ट्रा डाल दीजिए फिर डालने के बाद आप ये डिज़ाइन शुरू कीजिए तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट रो सीधा के तरफ से बनाएंगे सीधा की तरफ से देखिए पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा को पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए छः फंदा का डिज़ाइन बनेगा दो चार छ तो छः फंदा में हम क्या करेंगे बीच से दो फंदा को छोड़ करके तीसरा फंदा को हम इस तरह से उतार लेंगे और इस दो फंदा को पीछे ले जाएंगे और इस फंदा को आगे ले आएंगे देखिए इस तरह और अब इस तीन फंदा को सीधा से बना लेंगे एक दो तीन तीन फंदा को सीधा बना लिए और इधर भी उसी तरह करेंगे इस फंदा को पीछे ले जाएंगे और ये दो फंदा को आगे लाएंगे पीछे के साइड से तो देखिए हम इसको आगे ले आएंगे और इस दो फंदा को पीछे के साइड से आगे लाएंगे देखिए इस तरह और अब हम इसको सीधा से बना लेंगे तीनों फंदा को एक दो तीन तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक फूल बनेगा और अब देखिए धागा आगे और पांच फंदा उल्टा दो तीन चार पाँच पाँच फंदा उल्टा बना लेंगे फिर देखिए यहाँ क्या करेंगे दो फंदा का उल्टा से एक फंदा बना लेंगे दो फंदा का एक फंदा फिर यहाँ पर इस तरह से धागा को लपेट के आगे की ओर लाएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे इस तरह से देखिए दो फंदा का एक फंदा यहाँ पर एक जाली बनाए और यहाँ पर एक उल्टा बुनेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर छह फंदा का डिज़ाइन बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे बनाए उसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे तो दो फंदा को ऐसे पीछे ले जाएंगे और एक फंदा को आगे ले आएंगे और इसको सीधा से बनाएंगे फिर धागा पीछे कर लेंगे इसको सीधा से बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदा को सीधा से बुन लिए फिर उसी तरह इधर से भी करेंगे दो फंदा को पीछे से ले जाएंगे और एक फंदा को आगे से ऐसे पीछे ले जाएंगे और इसको सलाई पे चढ़ा करके तीनों फंदा को सीधा बना देंगे एक दो तीन तो देखिए यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर डिजाइन बनाए थे उसी तरह यहाँ पर भी डिजाइन बना लेंगे धागा को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे और धागा को देखिए इस तरह से लपेट के एक जाली बना लेंगे यहाँ पे और दो फंदा का एक फंदा करेंगे फिर यहाँ पांच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच पांच फंदा उल्टा फिर देखिए यहाँ पर उसी तरह छह फंदा का बनाएंगे दो फंदा को ऐसे उतार करके पीछे से ऐसे पीछे ले जाएंगे और एक फंदा को आगे ले आएंगे और इसको धागा पीछे करके इसको धागा उम, सीधा से बुन लेंगे तीन फंदा एक दो तीन तीन फंदा सीधा से बुन लेंगे फिर इसको इधर लाएंगे तो इसको उतार लेंगे और इसको इस सलाई पे चढ़ाएंगे और इस दो फंदा को इस सलाई पे चढ़ाएंगे और इसको आगे कर लेंगे अब देखिए इसको हम सीधा से बुनेंगे तो देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से फूल बना लिए जैसे यहाँ पर एक फूल बन गया एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर अंतिम में तीन फूल हमारा यहाँ पर दिख रहा है अब देखिए धागा को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे और लास्ट के फंदा को सीधा से बुन लेंगे तो देखिए हम यहाँ पर पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम उल्टा के तरफ से बनाएंगे तो उल्टा के तरफ से देखिए पूरे एक फंदा को उतार करके पूरी सलाई हम उल्टा से बनाएंगे और हर बार हम उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बनाएंगे अब देखिए तीसरी सिलाई सीधा के तरफ से पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर छह फंदा जिस पे डिजाइन बनाए थे इस छह फंदा को इस बार सीधा से बुन देंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदा सीधा बना लेंगे धागा आगे और इस बार यहाँ पर देखिए पांच फंदा जो बनाए थे इस बार चार फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा फिर यहाँ दो फंदा का एक फंदा फिर देखिए यहाँ एक जाली बनाएंगे और इस बार दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो ये दो फंदा उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे और छह फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छ छ फंदा सीधा फिर धागा आगे एक एक दो दो फंदा उल्टा फिर यहाँ जाली बनाएंगे और दो फंदा उल्टा का एक फंदा कर लेंगे फिर चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा धागा पीछे और छह फंदा जो है इसको सीधा बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ छह फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा तो देखिए हम यहाँ पर पूरी सिलाई तीसरी सिलाई बना लिए हैं और चौथी सिलाई हम सीधा उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं देखिए यहाँ पर हम चौथी सिलाई पूरा कर लिए हैं उल्टा के तरफ से और अब पाँचवीं सिलाई पाँचवीं सिलाई देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और फिर इस बार हम इसी तरह से बनाएंगे फूल तो दो फंदा को उतार लेंगे एक फंदा को आगे लाएंगे और इसको हम सीधा से बुनेंगे फिर तीनों फंदा को सीधा बुन लेंगे और इस तीनों फंदा को भी उसी तरह से फिर इसको पीछे ले जाएंगे आगे लाएंगे पीछे ले जाएंगे और पीछे के तरफ से इस दोनों को आगे लाएंगे और इस तीनों को फिर सीधा से बुनेंगे तो एक बार ये डिजाइन बनाएंगे और एक बार ये डिजाइन नहीं बनाएंगे सीधा बुन लिए इसको भी सीधा बना लेंगे और इसको भी सीधा बना लेंगे तो देखिए यहां पर हम ये डिजाइन बना लिए हैं धागा आगे करेंगे और इस बार तीन फंदा उल्टा बनाएंगे इसी तरह इधर का फंदा देखिए घटते जाएगा और इधर का फंदा बढ़ते जाएगा तो हम इसी को बढ़ते घटाते हुए एक फंदा तक लाएंगे तो यहां देखिए तीन फंदा उल्टा फिर दो फंदा का एक फंदा फिर यहाँ एक जाली और इधर इस बार तीन फंदा बनाएंगे एक दो तीन तीन फंदा बनाएंगे फिर इसी तरह इस पे बनाएंगे फूल इस दो फंदा को उतार के पीछे ले जाएंगे और एक फंदा को आगे लाएंगे और फिर तीनों फंदा को सीधा से बनाएंगे एक दो तीन तीन फंदा सीधा बना लेंगे फिर इसको भी उसी तरह करेंगे एक फंदा को ऐसे पीछे ले जाएंगे और ये दो फंदा को आगे लाएंगे और तीनों को सीधा से बना लेंगे इस तीनों फंदा को सीधा बुन देंगे तो देखिए यहां पर हम फूल बना लिए हैं फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और दो फंदा का एक फंदा करेंगे तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे पूरे में तो देखिए यहाँ पर हम छठी सिलाई उल्टा के तरफ से बना लिए हैं और अब सातवीं सिलाई सातवीं सिलाई देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और इस बार छह फंदा को सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ इस बार छ फंदा को सीधा से बना लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और इस बार दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो दो फंदा उल्टा फिर दो फंदा का एक फंदा फिर यहाँ एक जाली और इस बार यहाँ चार फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा फिर धागा पीछे छह फंदा सीधा जो फूल बनाए थे इसको इस बार नहीं बनाना है तो छह फंदा सीधा फिर धागा आगे और चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा फिर यहाँ पर एक जाली और दो फंदा का एक फंदा फिर दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और इस छह फंदा को सीधा से बना लेंगे एक उल्टा और एक सीधा फिर हम उल्टा की तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं तो हम यहाँ बना लेते हैं आठवीं सिलाई देखिए हम उल्टा की तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे नौवीं सिलाई सीधा की तरफ से पहला फंदा को उतार लेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और फिर उसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। दो फंदा को उतार के पीछे ले जाएंगे, एक फंदा को आगे लाएंगे और तीनों फंदा को सीधा से बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदा सीधा बना लिए अब इसको इधर ले जाएंगे तो इसको आगे की साइड से पीछे ले जाएंगे इस दोनों फंदा को पीछे के साइड से आगे लाएंगे इस दोनों फंदा को पीछे के साइड से आगे लाना है और इसको पीछे ले जाना है तो इसको हम फिर इस सिलाई पे चढ़ा करके सीधा से बना लेंगे एक दो और एक तीन तीनों को सीधा बना लेंगे और फिर धागा आगे और इस बार एक फंदा उल्टा बनाएंगे और यहाँ दो फंदा का एक फंदा बनाएंगे फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और इस बार यहाँ पांच फंदा उल्टा हो जाएगा एक दो तीन चार और एक पांच, पांच फंदा उल्टा हो जाएगा इसी तरह से हम देखिए पूरे में बनाएंगे, फिर हम धागा पीछे करेंगे और इस पे भी डिज़ाइन बनाएंगे दो फंदा को उतार के पीछे ले जाएंगे और इसको आगे ले आएंगे और आगे ला करके इसको हम सीधा से बनाएंगे देखिए इस तरह सीधा से तीनों फंदा को बना लेंगे एक दो तीन तीन फंदा सीधा फिर इसको इधर ले जाएंगे तो इसको उतार लेंगे और इसको इस पे चढ़ा करके इस दो फंदा को पीछे आगे लाएंगे और इसको इस सिलाई पे चढ़ा करके तीनों फंदा को सीधा बना देंगे एक दो तीन तीन फंदा सीधा हो गया अब देखिए यहाँ पर पांच फंदा उल्टा हो जाएगा एक दो तीन चार पांच पांच फंदा उल्टा फिर इस तरह से एक जाली बनेगा और दो फंदा का एक फंदा हो जाएगा फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर इसमें भी उसी तरह फूल बनाएंगे और एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई उल्टा तो हम बना लेते हैं उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई यहाँ पर हम दसवीं सलाई बना लिए हैं और ग्यारहवीं सिलाई अब लास्ट जो है ग्यारहवीं सिलाई का पहला फंदा को उतार लेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और छह फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छ छह फंदा सीधा फिर धागा आगे और इस बार उल्टा का फंदा जो है ऐसे देखिए दो फंदा का एक फंदा अब सिर्फ करेंगे यहाँ पर दो फंदा का एक फंदा यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और यहाँ पर पांच फंदा उल्टा बन जाएगा एक दो तीन चार पाँच सॉरी छः फंदा उल्टा बनेगा छः फंदा उल्टा देखिए यहाँ पर एक जाली बन गया और उसके बाद दो चार छः छः फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और छः फंदा सीधा एक दो तीन चार पच छः, छः फंदा सीधा फिर धागा आगे और छः फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदा उल्टा फिर यहाँ एक जाली और दो फंदा का एक फंदा फिर यहाँ धागा पीछे छह फंदा सीधा लास्ट में इसी तरह से बनाना है छह फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा लास्ट का फंदा सीधा तो देखिए हम यहाँ पर पूरी सिलाई बना लिए हैं अब उल्टा की तरफ से हम पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हम उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बना लिए हैं और ये बारह सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी तरह अब देखिए ये जो जाली इधर से जा रहा है अब ये जाली जो आगे हम बनाएंगे तो ये इधर से घटते हुए इधर जाएगा और ये जाली घटते हुए इधर आएगा फिर इधर से निकलेगा इस तरह से हमारा ये बनते जाएगा ये जाली इधर गया है और फिर अब इधर से धागा उल्टा का फंदा बढ़ते जाएगा और इधर फंदा घटते जाएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा तो हम थोड़ा सा आपको रिपीट करके दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट कर लिए हैं और इस तरह से आपको पूरे स्वेटर में डिजाइन दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू